मौसम का किसा करे, मौसम की मार, मौसम की मार बहुत होगी, जोड़ा पड़िया दी फसल ऊपर तई भी आकर खगड़ा की मार, और या खरीद और चलानी चाहिए जी गवर्नमेंट ने कोई दिन, तो आपके को भाई साहब और चलानी चाहिए, और चलानी चाहिए भाई, और चलानी चाहिए भाई, आज को दिन तो चल रहा है हमारा, कितने कितने क्षेत्रों में रह रही है, मर रहे के यादी रही तो, और हां भाई माल तो सारा रह रहा है, हां भाई आपके कहना सरसों और खरीद चलानी चाहिए, खरीद तो और सब बढ़िया, अच्छी बढ़िया बात है, बढ़िया बात है जी, कितने कितने किसानों की सरसों और रह रही है, तकरीबन आधी का करीब हो रही है, आधी का करीब हो रही है, हाँ आप सारा घूम फिर लिए रही बाड़ा, 3 घंटे लाइन में लगे रही, नुबले बहनी जा 103 नंबर ए चार धमाका न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने देशी पत्रकार मनजीत चौहान रतेरी की तरफ तय नमस्कार जय श्री राम। फिलहाल आप देखोगे भाई बुआनी खेड़ा के अंदर मौजूद हाँ अनाज मंडी बुआनी खेड़ा, आप देख सको भाई सरसों की खरीद जो है लगातार जारी है, 2 दिन का जो सरकार ने टाइम दिया था 11-12 तारीख को लास्ट जो है आपको देखने को मिल रही है भाई, 11-12 तारीख ने काफ़ी भीड़ रही है, अभी फ़िलहाल जो है भीड़ कम है, और यहाँ किसानों तो बात करेंगे भाई उन्हें के सुविधा मिला है, तो भाई साहब एक बार सारे दर्शकों ने राम राम, राम से भाइयों ने भाई ये मतलब कौन सा काम अपना बुआनी खेड़ा जी, तो सरसों लेके आए हो, सरसों लेके आए, कितनी सरसों आप लेके आए हो, मैं 16 क्विंटल लेके आया, 16 क्विंटल लेके आया, तो आपके पास में मतलब कितनी सरसों थी और कितनी पास करी है यहाँ पर, मेरी पास 16 क्विंटल हो रही है, मेरे पास सरसों तो 60 मन है, 60 मन है, हाँ। तो सरसों खरीद में किस प्रकार की सुविधा मिल रही है आपने, सही है या नहीं है, सुविधा तो यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, टोकन 25 क्विंटल से ऊपर काटते नहीं, 25 क्विंटल तो मतलब आपके पास में अगर मतलब 60 क्विंटल सरसों है तो 25 का ही टोकन मिलेगा, 25 का ही टोकन देंगे, तो बाकी की जो फसल है आप वो कहाँ बेचोगे फिर, बाजार में बेचो और क्या, बाजार में फिलहाल भाव का जिक्र करा, बाजार में क्या भाव बिकेगी, 47 रुपये बिकेगी, और यहाँ पे 55 मतलब इतना लॉस आपको जो है देखने को मिलेगा, मिलेगा, तो उसकी भरपाई फिर कितना करोगे, घर से करनी पड़ेगी और सरकार तो क्यों करा को नहीं, तो फिलहाल हमारे साथ में और भाई जुड़े हैं उन तक बात करांगे, तो भाई एक बार सारे दस का राम राम कर दे, राम राम जी, सारा आपका कौन सा गांव है, मिलकपुर जी, मिलकपुर है, तो आप कितनी सरसों लेके आए हो यहाँ पे, 40 क्विंटल जी, 40 क्विंटल, और कितनी आपकी पास हो, 25 क्विंटल जी, 25 क्विंटल पास हो रही है, बाकी की आप जो है मतलब क्या करोगे, बाकी की अगले दिन फिर लाग जाएगी, अगला दिन आप तो लास्ट है ना, लास्ट है फिर रहेगी, रहेगी तो फिर उसका मतलब आप कितना, प्राइवेट में बेचा 800 रुपया क्विंटल का, 800 रुपये क्विंटल का लॉस है जी, तो ये देख लो भाई किसाना ने कितना जो है लॉस उठाना पड़ रहा है, जो 25 क्विंटल सरसों को जो पास कर रहे हैं, और किसान के पास में 40 क्विंटल सरसों है, किसान को भारी भरकम जो है नुकसान का जो देखने को मिल रहा है, और आप सारा घूम फिर लिए रही बाड़ा, 3 घंटे लाइन में लगे रही, नुबले बहनी जा 103 नंबर में, और आना है तो 5 बजे तक आ जा, नहीं तो अपनी घर ने ले आ रहा उन्हें पौने दम हम भेज रही जी, आपकी क्या दिक्कत आई, दिक्कत ऑनलाइन करवा रखे नु फोन नंबर गल से, फोन नंबर मेरा गोज में घंटी मारे नहीं बात जा, तो मैंने जुम्मेदार ये किसने बोला भाई भिवानी जाओ, फिर भिवानी अंदर जो अफसर बैठे इन्होंने बोलिया कहा, मतलब अंदर गए थे, हाँ अंदर गए थे ये खड़े गेट के पास में ही, तो आइए फिलहाल जो है इन तक रूबरू होवांगे भाई की इसमें क्या दिक्कत आ रही है, भाई साहब एक बार दियो थोड़ी सी जगह, दियो भाई दियो दियो थोड़ी जगह, आ जा भाई आ जा, आ जा भाई आ जा, फिलहाल देख रहे हो आप ऐसा धमाका न्यूज तक लाइव जुड़ रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इस किसान का है भाई, इस किसान की सरसों में क्या दिक्कत आ रही है भाई, इसमें सर्च नहीं हो रहा, इसका सर्च क्यों नहीं हो रहा, ये आप आज आए हो आप देख सको हो भाई किसान ने फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, एक ये फिलहाल आप मोबाइल नंबर बोलना, एक बार मोबाइल नंबर 87088391 87088391 जी भैया बोल दिया 103 नंबर में भिवानी जाओ, बता भिवानी 5 मिनट बाद फार्मर प्रोड्यूसर नोट रिसीव, तो इसमें आप देख सको हो फिलहाल जो है सिस्टम में दिखा रहा है फार्मर प्रोड्यूसर नोट रिसीव्ड, तो इसमें आप तो बात करांगे भाई इसके क्या कारण है,
आप अपना ऑनलाइन चेक करवाओ ऊपर जहां से करवाया था इन्होंने बोल दिया 103 नंबर भिवानी जाओ बता और 5 बजे तक पहले पहले आओ जो प्रॉब्लम है उसका ले रहा हूं उठ के चला जाओ और आ जाओ प्रॉब्लम जो उसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना पूरा भी तो होता होगा और यहां ऐसा कुछ नहीं है यहां केवल गेट पास आपको काट के दिया जा रहा है जो प्रॉब्लम वो आपके सामने है तहसीलदार साहब बैठे एक बात तहसीलदार साहब बैठे थे उन्होंने एक मिनट आपकी जो प्रॉब्लम है उसका डिपार्टमेंट अगर कोई दूसरा है तो इस डिपार्टमेंट में उसका समाधान कैसे हो जाएगा मुझे ये बताओ आप देखो सुन लो आप पहले सुनो पहले भाई एक मिनट आपने खुद ने चेक करवाया ना आपका दोबारा करवाया मैंने तो एक्चुअल क्या है जो ये है ना ये इस डिपार्टमेंट का नहीं है ठीक है इसका जो है ना ऊपर भिवानी में आपको होता है आप एक और उनको जाके टेक्निकल इश्यू होगा भाई मेरी बात सुनो एक मिनट आप इनकी भी सुन लो राव जी एक बात मैं बोलूँ शायद अपना वो होगा पूरा काम क्यों रोक रखे आज ही लेके आए जब शुरू हुई तब क्यों लेके आए लास्ट डेट हुई आप तीन बार इनके पास आए हो इन्हें बताया आप गए वहाँ भिवानी तहसीलदार साहब के पास आ गए आप तहसीलदार साहब के पास तहसीलदार साहब वही हो जाएगा ये बात मान ही नहीं सकता ये तहसीलदार साहब बैठे हैं जो भी आदमी गया है उस हर आदमी का सोल्यूशन होया है तो आप ये आप कभी भी नहीं आए नहीं आप ये बताओ आज आपका आज आए हो ना आपका बता दिया इसमें एक चीज और है भाई साहब मान लो ई किसान है इसका जो है आप सिस्टम में नहीं दिखा रहा अभी ये फिलहाल ये यहाँ से भिवानी जाओगा कितना टाइम भिवानी जाने में लगेगा कितना आने में लगेगा और फिर तो हम मंडी बंद हो जाएगी तो अब किसान उस समस्या में क्या करे इस बार हम तो दूसरे किसका ही हो फोन नंबर तो कैमरामैन को भाई साथ में आ जा अंदर बात कराएंगे भाई अधिकारी ठीक है सोल्यूशन का समाधान भी होगा ठीक है दियो भाई साहब फिलहाल यो किसान है जी अपने सामने इसकी सस्तों खरीद नहीं हो रही दो दिन से लगातार यही बता जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ सोल आउट नहीं होगी या तहसीलदार साहब के पास में जाइए या सेक्रेटरी साहब के पास में अभी बताया कल भी आपको यही बोला गया था कि आप भिवानी सेक्रेटरी साहब से सोल्यूशन करवाओ पहले पटवारी बोली नहीं सकते जनाब अगर वो रेड अगर आपका एरर आ रहा है आप मेरी बात अलका पटवारी के पास गए थे हाँ जी अलका पटवारी का क्या नाम है सुरेंद्र नाम जी आप गए थे गए थे जी पक्का गए थे जी क्या बोले फिर नुबले वेरीफाई आ जाओ टोकन कट जाएगा तुम्हारा हाँ जी ठेका भी लेके खुट वाज कर का खुट होनी फिर भी ये आखिरी में ये हाल है जी हमारा तो फिलहाल इसका ईप के समाधान हो सका जी एक बात बताओ किसान है यो आ रहा है सरसों लेके मैं आपको फिर से वही बात बता रहा हूँ आपने अब यह बात बोली है हाँ जी ठेकन लेके खुड़ पो हाँ आपने अब स्टार्टिंग में क्योंकि ये जो ठहन है ये आपने वेरीफाई करवा के रेस्टिम साहब का वेरीफाई करवा के लाए सुनो जी ऑनलाइन करवाई ना बिल्कुल ऑनलाइन करवाई वहाँ पर लिखवाई थी मैंने भाई मैं ठेका पे लेके खुद अगले दिया मेरे को एक मिनट फर्द में लिखवा रखा है जो ऑनलाइन वाले के भाई मेरा फोन नाम बोलोगे और बोलो इसमें नहीं उतारे मैं कितनी फी दे रखी है ऑनलाइन खुद करवा ले हैं पैसे से करवाया हुआ है और तो सिंगर फोन रखा पासकार तो वो दिखेगा मैं तो फाइनली हो गई फिर उसमें खुल के बात कोई बताओ नहीं खासकर तो जी वही लिखेगा मैं तो नहीं इसमें एक इसमें देखो सिस्टम क्या कहता है ई बाबा आपने जमीन ले रखी है मन्ना जमीन ले रखी है ठेके पर ठीक है मेरा काम इतना ही था हीरानंद पुत्र ठाकुर दास ठीक है इसके ऊपर कहीं ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा आप ये देखो कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं लग रहा है इसके ऊपर और ऊपर आप देखोगे किसान तो किसान जमीन उगाता है जमीन में फसल लेता है ओमवीर के नाम से रजिस्ट्रेशन है पिता का नाम रामफल तो और आज ताऊ जी बात इन किसानों को बताने लग रहे हैं मैं तो ये हमारे पास गए कभी तहसीलों में नहीं गए ना इनके पास आया हूँ जी मैं बार बार मैं इनके पास आया हूँ ये नुबला पहले तो पटवारी से वेरीफाई करवा के लाओ पटवारी से वेरीफाई गया तो नुबला हो रही तेरी पटवारी से वेरीफाई उसके बाद मैं अभी यार 3 घंटे लाइन में लगा रहा मान लिया आप तहसीलदार मौके पर यहाँ पे मौजूद है जी तो एक बार तहसीलदार साहब से जो है इसका बात करो किसान का सोल्यूशन निकल जाए सोल्यूशन का मतलब तो मैं सुने क्योंकि ताऊ जी का है ना जब इनका दिक्कत आई मन के ताऊ जी जाओ ना तेरा सोल्यूशन निकाल के भेज जाऊंगे
फिलहाल तो है आप जो है ना, फिलहाल मैं यही कहूँगा आपसे और निशान ना जो है आप तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब ना तो इनके निवेदन की जरूरत, हमने कुछ और, ये भी एक किसान है, किसान नाम है, किसान के बेटे हैं। तो मैं तो ताऊजी पहले कहने ला रहे हो, ताऊजी गलती आपकी ये है, आप जो बात आज बता रहे हो ना, ये बात आपने शुरू वाला दिन क्यों नहीं बताई, कोई इस तरह बोल रहे हो? आप नहीं थे, इनको तो बोला था मैंने। देखो जी मेरा तो और ड्यूटी कौन है, आपकी ड्यूटी कौन थी? आपसे पहली बार मुलाकात हुई है? हाँ जी, इनसे तो मैंने पटवारी से भी जा लिया, तहसीलदार साहब के आज मैं मिला हूँ, मेरा सोल्यूशन होगा, मेरा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आपने कह दिया 103 नंबर पर जाओ और 5 बजे पहले तो है, एक बार आप इनका जो है सोल्यूशन कराने का प्रयास करें। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ताऊ जी, आप बैठो थोड़ी देर, कोई ना कोई समाधान करवाऊंगा, ठीक है। आप भवानी खेड़ा मंडी के अंदर समस्या आता है, जूझ रहा था बिक्री, सरसों बिक्री के लिए, तो उस पर बात कराएंगे। भाई एक बार अपना नाम बता दे पहला। सर नाम ओमबेर सुमड़ा खेड़ा से जी। अमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी, इनका पत्रकार जी का, इन्हें मेरी भिवाणी का दौड़ धूप थी वो कम करवा गए और यही सोल्यूशन करवाया, इसके लिए तय दिल से मैं इसका भाई का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ऐसे पत्रकार गांव में शहर में मौजूद होंगे तो किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, धन्यवाद जी। और फिलहाल मैं बात करूं भाई, इसका शरीर जो है यहां पर तहसीलदार साहब आदित्य रंगा जी को जाता है, जिन्होंने इसकी इनकी सो है समस्या सुनी किसानों की और उसका तुरंत समाधान किया। और साथ ही साथ मैं आपने दिखा दूँ भाई, यहाँ पर किसानों के लिए जो है एक शरबत का भी, ठंडे पानी का शरबत का इंतजाम भी कर रखा है, यहाँ पर किसान आवे वो गर्मी के अंदर अपना ठंडा पानी पी सके।